बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खातिम हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में एक लफ्ज़ हमारे यहाँ अब ज़्यादा आने लगा है, यह है टॉक्सिक। अंग्रेज़ी में है, इसका कुछ लोगों के लिए मतलब ज़रा मुश्किल होगा, पर जिन्होंने भुगता है इसके पूरे जहर को महसूस किया है। यूँ समझेगा कि टॉक्सिक लोग कैसे होते हैं और क्या इनसे बचा जा सकता है। और ये टॉक्सिक लोग कहीं बाहर नहीं होते, ये हमारे ख़ानदान के अंदर होते हैं, हमारे दोस्तों के हलके में होते हैं, हमारे ऑफिस में होते हैं, हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं होते हैं। अगर इसको उर्दू में कहें तो जहरीले लोग। जैसे सांप का काम जहर फेंकना है और जहर को उंडेलना है, वो उसके बिना कुछ और कर नहीं सकता, ये वो मजबूर है, वो प्यार भी करेगा तो जहरीला आपकी ज़िंदगी को जहर से भर देगा। इसी तौर पे ये जो टॉक्सिक लोग हैं, ये मुस्कुराएं, ये तंग हों, ये हंसें, ये कैसे भी किसी के साथ करीब होने की कोशिश करें, इनके अंदर जो जहर की थैलियाँ हैं भरी हुई होती हैं, जब जब बात करेंगे आपको अंदर से लिटरली तपा के रख देंगे। ये आपकी नंद भी हो सकती है, ये आपकी भाभी भी हो सकती है, ये आपकी सास भी हो सकती है, ये आपका मियाँ भी हो सकता है, बच्चे आमतौर पर नहीं होते, ये आपके टीचर भी हो सकते हैं, ये जिस दफ्तर में आप काम करते हैं आपका कोई मातहत भी हो सकता है, बॉस तो आम तौर पर होते हैं। टॉक्सिक एक आदत है, टॉक्सिक होना, जहरीला होना, उनको उसके बिना चैन नहीं आता जब तक वो दूसरे की दिल आज़ारी ना कर लें, जब तक उसको वो लेट डाउन ना कर लें। ये इंसान जहरीला होता क्यों है, क्या अल्लाह ने उसको जहरीला पैदा किया होता है? मुझे लगता है ये उसका अपना चॉइस होता है। समटाइम अपनी किसी महरूमी को वो अपना हथियार बनाना चाहता है, समटाइम अपनी ज़ुबान को दराज करके वो दूसरों को अपने शर का एक डिस्टेंस पर रखना चाह रहा होता है, समटाइम वो चाहता है कि जो लोग उसको बुरे लगते हैं वो उनको तपाए, समटाइम उसको लगता है कि जो लोग उसे आगे निकल रहे हैं इज़्ज़त में, मोहब्बत में, शोहरत में, दौलत में, तो उनके लिए वो ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल करेगा कि जो लिटरली जहरीले होते हैं। याद रखिए कि वक्त के साथ साथ इंसानों ने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, लाइक हमारे घर में फिनाइल होता है या वो जो ज़मीन पर पोछा वोछा लगाने के लिए छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं, सब पर लिखा होता है बच्चों की पहुँच से दूर रखें, इसमें जहर होता है और उनको हम ऊंचा रखते हैं। पर कभी आप नोट करें, जितने लोग मेरे पास आके शिकायत करते हैं टॉक्सिक लोगों की, जहरीले लोगों की, उनके जहरीले जुमलों की, उनकी जहरीली ज़िंदगी की, ये सारे लोग वो हैं जिनको हम दूर नहीं रखते, ये हमारे करीब रहते हैं और हम उनकी बातें सुनते हैं, और सुनने के बाद फिर ऐसा होता है जैसे बंदा तवे पे बैठ जाए तो नीचे आग भी जल रही हो तो फिर आप के पैर हों या तशरीफ़ हो दोनों जलेंगे। मैंने सोचा आज इस मौजू पे एक असूली सी बात की जाए, तो क्या टॉक्सिक लोगों से बचा जा सकता है? टॉक्सिक की दूसरी जो किस्म होगी वो नॉन टॉक्सिक होगी, यानी गैर जहरीले लोग, या वो लोग जो हमें अजियत नहीं देते, तकलीफ़ नहीं देते। देखें, एक तो मुझे लगता है फ्रेंकली कि ये उन पर अल्लाह की मार है। रब ने इंसानों पर मेहरबान होना वाजिब किया है, जो ज़ुबान से, ये तक कहा गया है कि जिसकी ज़ुबान से और जिसके हाथ से दूसरा महफूज नहीं है वो मुसलमान नहीं है। ये इतनी बड़ी बात है, पर चूँकि हम तो बहुत बड़ी बड़ी बातों को ऐसे खा पी के डकार जाते हैं कि दोबारा मुड़ के भी नहीं देखते। हमारे हाथों से भी तकलीफ़ पहुँचती है, ज़ुबान तो फिर ज़ाहिर है जहरीले जुमले फेंकती ही फेंकती है। पहली बात तो ये रखिए ज़हन में कि टॉक्सिक लोगों से बचने का जो सबसे अहम हो सकता है तरीका, कीप द डिस्टेंस, उनसे डिस्टेंस कर लीजिए। अगली गाड़ी के धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ेगी तो आप करीब हो गए तो धुआं ज़ाहिर है आप पे पड़ेगा, आपकी गाड़ी पे भी पड़ेगा। सिगरेट वाले के मुंह के करीब जाओगे तो सिगरेट का धुआं तो आपके मुंह पे आएगा, वो जहर भी आपके अंदर उतरेगा। इन टॉक्सिक लोगों को जो आदत होती है, अगर वो पंजाबी में कहते हैं, इनको ज़ुबान का बवासीर होती है, तो ये जहाँ बैठेंगे इन्होंने कोई ऐसी तकलीफ़देह बात करनी होगी जो आपके कान में पड़ेगी, आपके बारे में, आपके प्यारों के बारे में, आपके माँ बाप के बारे में हो सकती है, आपकी बीवी के बारे में हो सकती है, तो हर जगह लड़ नहीं सकते, तो बेहतर है वहाँ से आप डिस्टेंस कर लीजिए। ये अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे, पर आपको अपनी खूब बदल लेनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जैसे हम बच्चों को कहते हैं फ़लाँ फ़लाँ चीज़ नुकसानदेह है तो उनसे दूर रहना, सो इन रिश्तों के साथ, इन लोगों के साथ हर वक्त उनके अंदर घुसे रहना उनको राज़ी करने के लिए, तो यूँ समझिए कि इनको भी आप अपनी ज़िंदगी की परछती पे ऊंचा करके रखें तो आपकी बचत हो जाएगी। कंप्यूटर ने इस बात को सिखाना समझाना और भी आसान कर दिया है। जिस बात को हम
पसंद नहीं करते जिस बंदे को, जिसके कमेंट्स को क्या करते हैं उसके साथ ब्लॉक कर देते हैं। तो दूसरा तरीका ये होगा, पहला कीप द डिस्टेंस, दूसरा ब्लॉक हिम और हर, ये दोनों हो सकते हैं। नंबर तीन, ये उससे भी थोड़ा एक कदम आगे बढ़ने वाला है, और आप सोचिए को ब्लॉक करने के बाद क्या हम फिर उनके पिछले पैगाम और सारी बुरी बुरी चीज़ें देखते हैं या उसको क्या करते हैं, डिलीट। तो ये तीसरा काम, उसकी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी में उसके कहे हुए जो जुमले, जो ख़त, जो जो चीज़ें आपके पास महफूज हैं, सबको ज़ाया कर दीजिए, सबको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। बुरी जुमले, बुरी बातें और बुरे तबसरे, इनको कभी महफूज ना रखिए, ये आपको तपाए रखेंगे और आपको अजाब में मुबतला रखेंगे। चौथा, इन टॉक्सिक लोगों से, देखें ये आपके हमेशा इमोशन से खेलते हैं, ये आपके जज्बात से खेलते हैं, आपके जज्बात को आग भी लगाते हैं, और फिर बाद दफ़ा मासूमियत से कहते हैं मेरा मतलब ये नहीं था जो तुमने लिया है, मैं असल में ये नहीं कहना, पर मैं तो हक सच की बात करती हूँ या करता हूँ। और उनका हक सच ऐसा होता है कि जो अगर उनको कहा जाए तो कभी आपकी शक्ल भी ना देखे, वो आपसे फौरी तौर पे अपने मर्तबे का, अपने मुकाम का, अपने रिश्ते का, वो एक शोर मचा देंगे कि किसने मुझे ये कहा और ये कहा। पर ख़ुद उनको जब जब मौका मिलता है, तकरीबन हर तरफ, जैसे पुराने ज़मानों में लोगों के पास तलवारें होती थी और उनके ऊपर कवर होते थे, अब आपने नंगी तलवार रखी हो और वो भी दो धारी हो, तो ये जहरीले लोग जो कोई और नहीं होते, हमारे अपने होते हैं। और मुझे अल्लाह माफ़ करे, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, अगर आप भी उन जैसे हुए और उनमें से हुए और आपने आज अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, तो सोचिए अब भी अच्छा वक्त आप पे आया कि आपने इस चीज़ को समझ लिया। आपके जाने के बाद जब सब लोग ये कहते हैं मर गए मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद, तो जहरीले लोगों के बारे में कहा जाता है, अच्छे लोगों के बारे में नहीं कहा जाता। अच्छे लोगों को हम याद करते हैं, हम प्यार करते हैं, उनका एहसास करते हैं। सो अपनी ज़िंदगी में इन लोगों को, जो आपके जज्बात से खेलते हैं, जो आपके सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं, इनको निकाल दीजिए और अपने जज्बात को उनके हाथों में मत दीजिए कि वो आपसे खेलें। कि जो आपका कमज़ोर लम्हा होता है इंसान का, ये जज्बात भी हमारे कमज़ोर लम्हे होते हैं, तो इनको कभी उनके हवाले मत कीजिए। और ख़ास तौर पे जहाँ लगे कि चार लोगों के बीच में ये आपको देखकर इस तरह की बात करने का उनके अंदर एक उठता है उबाल, तो वहाँ से अवॉइड कर जाइए। इन लोगों को मारा नहीं जा सकता, इन लोगों को देश निकाला भी नहीं दिया जा सकता, इनसे रिश्ते भी ऐसे होते नहीं तोड़े जा सकते, पर इनसे डिस्टेंस तो किया जा सकता है, इनको अवॉइड भी किया जा सकता है, इनकी दावतें करने से भी बचा जा सकता है और इनकी दावतों पर जाने से भी अवॉइड किया जा सकता है। ये एक छोटे से फैसले से आप इनके जहर से, जहर की पुड़ियों से, जहर की फुहारों से बच सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। सलामत रहिए और जहरीले लोगों से बचे रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।